मरीज का ऐसा था कि इसको एनेस्थीजिया देने के लिए प्रॉब्लम्स थे हार्ट में और लंग्स में, तो इसको बाहर रेफर किया गया था। मीनवाइल ये भर्ती हुआ और भर्ती होने के बाद इसको बताया गया कि तुमने हार्ट और उसका लंग्स का इन्वेस्टिगेशन करा। बस इतनी सी बात, इस आधार पर मैंने कहा जब तक ये हार्ट्स एंड लंग्स इसके क्लियर नहीं होंगे और उनकी पोजीशन, उनका इवेल्यूएशन नहीं होगा स्पेशलिस्ट द्वारा, तब तक ऑपरेशन में दिक्कत है। तो अभी यहाँ पर जा रही एडमिट करने के बाद एडमिट करने के बाद मैंने एक्चुअल पोजीशन डॉक्टर साहब को बताई, उन्होंने कहा हम ऑपरेशन करेंगे और ये सरकारी हम तो मजदूर आदमी है, ना लिखे पड़ा है ना कुछ, ना मुझे याद क्या चीज लगता है क्यों कुछ ना करेंगे, गोठिया राज ही ऐसा गोठिया राज में लेने भी हो सकता है। कल शाम खाना भी नहीं दिया, गरीब आदमी ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। ऐसा यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो इनको भी यही स्थिति बताई ना कि इसकी ये जेनेरिटी है। डॉक्टर मिश्रा से भी आप पूछ लीजिए कि किन परिस्थितियों में उन्होंने भर्ती, तब आपको क्लियर पता चलेगा।